केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट स्थापित करने का काम लगभग पूरा हो गया है और पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत से प्लांट शुरू हो जाएगा। अभी तक यहां श्रीनगर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर काम चलाया जा रहा था। खराब रास्ते व खराब मौसम के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने में खासी परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 11 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट लगभग तैयार है और अस्पतालों के सभी वार्डों व इमरजेंसी विंग में भी पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। प्लांट शुरू करने के लिए जो आवश्यक मशीनरी चाहिए वो अगले कुछ दिनों में डोडा पहुंच रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जल्द शुरू करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार मौके का दौरा किया और डबल शिफ्ट में काम करके प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने की हिदायत दी। अब यहाँ दिन रात काम चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल अंत तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिससे जिले के लोगों को काफी सुविधा होगी।